वो लेके जा रहे हैं, तो बने रही है, आगे दिखाते हैं आपको पूरा ऊपर जाके कैसा व्यू रहता है। बगेरा है, कहाँ पे है? उस महल में। महल में? हाँ। और क्या है? और सांप है। वो बगेरा बोल रहा था, मोटा गेंडा। खा खा के मोटा हो गया। बगेरा डसता है क्या? खा जाता है, सांप डसता है। और यहाँ से चलेंगे, कभी पुराना महल है। पर कैल्विन के लिए दिशा पटानी हमारे साथ में। प्रमोट बोल, दिशा पटानी को प्रमोट कर रहा हूँ। यो पर एक बारिश की वजह से थोड़ा व्यू में आपको थोड़ा व्यू लगेगा। यहाँ से आपको पैदल ही ऊपर जाना पड़ता है, अगर आपकी हिम्मत होगी तो आप वहाँ पर भी चढ़ सकते हैं। और वहाँ से जो नजारा दिखेगा, बाय गॉड, देसी सुअर हो, जंगली सुअर को ना। तो जैसे देसी सुअर था। हाँ भाई, मेरी तो ले रखो भाई। आज यहाँ पर स्टे करेंगे, रात को यहीं रुकेंगे और यहाँ पे सुबह यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, पहले तो ये फोर्ट देखेंगे। फोर्ट देखने के बाद पास में एक होटल है, बहुत अच्छा होटल है, फेमस है दूर दूर तक, फाइव स्टार होटल। महल था वो पहले, अब उसको होटल बना दिया गया। ऊपर की तरफ ही है वो। यहाँ राजा का नाम क्या था? राजा का नाम नहीं पता। बाकी बहुत फेमस राजा है, आप गूगल पे सर्च। तोरावाटी के नाम से फेमस था ये पूरा पाटनवाटी। तोरावाटी के नाम से कोई ना कोई राजा था। तोरावाटी क्षेत्र है, आपने पाटन राजा बहुत फेमस हो भी को बेना के कुछ फेमस हो गूगल पर के कुछ फेमस हो के कुछ फेमस तो क्या बता। अरे वो बहुत टाइम हो यार, लेकिन मतलब बहुत फेमस हो, वो नाम याद को नहीं। मैं एक बार घर आओ बट कॉलेज में भी टाइम पे पढ़े हो भाई। तू ऊपर बना के ऐसे दिया मार, तो चढ़ता चढ़ता सांग हो जाएगा। और चप्पल और गीली होगी यार, पचर पचर कर रही देख आवाज। और यहाँ से आपका पाटन महल का सफर शुरू होता है, इस जगह से। यही है के सच्ची नहीं हो, और भी काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं हमारे प्लेजर बॉयज के अलावा भी। और एक बार ये देखिए पीछे से, ये व्यू देखिए एक बार। अभी ऊपर से और भी मजा आएगा। आप कौन सा? वो इतनी दूर से दिखेंगे थोड़ी ना यार। और ये देखिए एक बार पूरा पाटन वाटी का व्यू। अभी तो आधी दूरी पे ही हूँ और अभी हम बीच वाले महल पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से ये कुछ व्यू ऐसा दिखता है पूरे पाटन वाटी का। और हमारे कुछ साथी वो सामने वो ऊपर वाली पहाड़ी पे जाते हुए, हम भी जाएंगे वहीं पे उनके साथ साथ में, वो जो दिख रहे हैं दो, और इनके साथ में हम भी जाएंगे। अभी मैं आपको ये बीच वाला महल देता हूँ। खंडर हो चुका है, काफ़ी जर्जर स्थिति में है ये अभी, क्योंकि लोकल को इनका ध्यान नहीं देता। और यहाँ पर काफ़ी असामाजिक तत्व दीवारों पर भी अपना बहुत की कलाकृति दिखा चुके हैं। अगर ये रख रखाव होता तो काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट हो जाता, कमाई का जरिया हो जाता पाटनवाटी क्षेत्र के लिए, डेवलपमेंट के लिए। आप खुद देखिए काफ़ी अच्छा है ये, अंदर चारों तरफ सब दीवारों को ख़राब कर रखा है। नीचे जो टैंक है ये, इसमें पानी भरा हुआ है, पूरे टैंक में हमेशा पानी रहता है किसी भी मौसम में। ये इसका जाने का रास्ता है जो काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। और अंडरग्राउंड काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर जब आएंगे आप तब आपको देखने को मिलेंगी। और अभी हम जाते हैं अपने साथियों की तरफ, हमारी टीम के साथ वो काफ़ी आगे जा चुके हैं और हम पीछे रह गए क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी और हम रुकते रुकते आ रहे थे आराम से। और बहुत ही खतरनाक ये जाने का रास्ता, देखते हैं क्या होता है आज। है तो एडवेंचर ही हमारे लिए इतना ऊंचा पहाड़ी पे चढ़ना। वैसे हम काफ़ी बार एक दो बार चढ़ चुके हैं पहले भी बहुत ही, अब देखिए कैसे कैसे रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। अब देखिए आप, ये ऐसे ऐसे रास्तों से गुजर कर हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो राहुल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है? जोर आ रहा है चढ़ने में। और अच्छा कैसे लग रहा है? बारिश में बहुत ही शानदार हो जाता है यहाँ का नज़ारा, ऐसा राहुल बता रहे हैं।
और वैसा ही कुछ आपको दिख भी रहा होगा। और ये हमारा पथ, जैसे हम ऊपर जाएंगे ऐसे रास्तों से होते हुए, बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है यहाँ पे। अब देखिए राहुल कदम बढ़ा, मुझे भी संभल कर चलना पड़ेगा। ओह शिट राहुल ध्यान से दिया भाई। हाँ हमारे पैर डगमगा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही रास्ता नहीं है ऊपर जाने का सीधा, अब जाएं कैसे समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, इस व्यू को देखने के लिए और ऊपर से हमें जाना पड़ता है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको यहाँ पे नीचे गिरा सकती है, आप गिर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए कुछ व्यू, बहुत ही अच्छा मौसम रखा है यहाँ पे।